एवरीवन, आई होप आप सभी लोग सही होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई होप ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो रही होगी जिनके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नर्सिंग के बारे में बताने के लिए। ओके, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रही होंगी। तो अभी मैं कमेंट सेक्शन में बहुत एक क्वेश्चन बहुत सिमिलर देख रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले अभी मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक मतलब जो कमेंट था, वैसे तो सभी के मैंने रिप्लाई किया है, बट एक जो कमेंट था मतलब वो बहुत मतलब मेरे से पूछा जा रहा था कि दी मतलब प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं जहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर जिनका मतलब मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है सिलेक्शन, पहले तो आप तीनों के तीन काउंसलिंग करवाइए। अगर तीनों काउंसलिंग के बाद भी आपका नहीं हो पाता है तो, और आपको अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है, साल ख़राब नहीं करना है, तो आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से इस साल मतलब प्राइवेट कॉलेज अगर नर्सिंग का ले लें तो उसके लिए मैंने कुछ बेस्ट नर्सिंग के जो कॉलेज हैं उत्तराखंड में, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। ओके, तो ये मतलब इनके बारे में मैंने सुना है और मतलब मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ 4 से 5 कॉलेज ही मतलब अपनी इस लिस्ट में क्या करें इंक्लूड करें। मतलब कॉलेज बहुत सारे हैं पूरे उत्तराखंड में, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, बट उनके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है या फिर उनका मतलब कैसा है मतलब मुझे इतना पता नहीं है। इवन जो कॉलेज मैं भी आपको बताने वाली हूँ वो सभी उनमें कहीं ना कहीं जो मेरे फ्रेंड्स हैं पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है, तो मुझे बताते हैं वहाँ की कंडीशन के बारे में या फिर वहाँ पर प्लेसमेंट कैसा है या फ्यूचर में स्कोप कैसा है। तो इसके रिगार्डिंग जो मुझे पता है मैं आपको वही कॉलेज यहाँ पर क्या करूँगी रिकमेंड करूँगी, मतलब हर कोई कॉलेज नहीं करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। को हल्द्वानी में कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए नर्सिंग का तो पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ट कॉलेज है। मतलब यहाँ पे फीस आपको थोड़ी हाई हो सकती है, बट ये मतलब प्लेसमेंट भी आपको देता है और मतलब यहाँ पे जो आप स्टडी है वो भी बहुत अच्छी कराई जाती है, एंड आपको यहाँ पे क्लिनिकल भी सिखाया जाता है। मतलब क्लिनिकल के लिए पाल कॉलेज के मतलब जो बच्चे हैं वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पर ही आते हैं हल्द्वानी के। तो या पाल कॉलेज भी अच्छा है अगर हम लोग देखें स्कोप या भी ओवरऑल स्टडी या क्लिनिकल के उससे, तो पाल कॉलेज में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं हल्द्वानी में। और अगर आपको अगर थोड़ा दूर चले जाएं हल्द्वानी के बाहर, तो जूलीकोट में एक जूलीकोट या फिर उससे आगे में भी एक है नैन्सी कॉलेज। तो नैन्सी कॉलेज है उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं, बट नैन्सी कॉलेज ओनली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। वहाँ पर कोई बॉयज़ अलाउड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। बट एक बार मैं आपको बता दूँ, नैन्सी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन बहुत है, फ़ोन यूज़ नहीं करने देते हैं। मे बी एक हफ्ते में एक या दो बार उनको क्या क्या किया जाता है मतलब फ़ोन यूज़ करने को दिया जाता है। तो या मतलब नैन्सी कॉलेज में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बहुत है मतलब कंपेयर टू पाल कॉलेज। ओके, तो पाल कॉलेज फर्स्ट में आ गया, नैन्सी कॉलेज आ गया, आप यहाँ अपना एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने एक बरेली में स्वामी राम मूर्ति कॉलेज सुना होगा, वो भी नर्सिंग का बहुत अच्छा कॉलेज है। इवन वो लोग तो कोर्स कंप्लीट कराने के बाद अपने ही हॉस्पिटल में क्या करते हैं जॉब भी देते हैं। लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने वहाँ से नर्सिंग किया 4 साल की है, ANM किया है, GNM किया, BSc नर्सिंग जो भी किया, तो इसके बाद मैं अपनी डिग्री लेके उसी हॉस्पिटल में क्या कर सकती हूँ जॉब भी कर सकती हूँ। मतलब वो लोग अपने ही हॉस्पिटल में क्या कर देते हैं हम जैसे बच्चों को जॉब में रख लेते हैं, तो वहाँ का एक ये बेनिफिट है। तो आप अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है स्वामी राम मूर्ति। एंड अगर उसके पास एक रुद्रपुर पे कॉलेज है, रुद्रपुर में कॉलेज है, अगर आप हल्द्वानी से थोड़ा बाहर जाना चाहते हो, रुद्रपुर में एक कॉलेज है मेरे तो यार, जो रुद्रपुर में कॉलेज है वो द्रोण कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो भी अच्छा कॉलेज है स्कोप स्टडी वगैरह मतलब इन सब के उससे, ठीक है। तो एक रुद्रपुर में आपको द्रोण कॉलेज मिल जाएगा। एंड आपको अगर थोड़ा हट के जाना मतलब घूमने वाले प्लेस पे जाना है लाइक देहरादून, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ की यहाँ पे लिस्ट बनाई है। लाइक एक हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई वगैरह इस सब के हिसाब से मतलब अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब ये तो हो गया देहरादून का कॉलेज, ठीक है। देहरादून में भी एक दो कॉलेज और हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, शायद लास्ट पे याद आ जाए। और अगर आप जाना चाहते हो ना एक भीमताल पे, मतलब इसकी जो मेन वाली ब्रांच है वो तो देहरादून पे है, ग्रेफिकिरा आपने सुना होगा, जो ये वाला कॉलेज है ये बहुत बेस्ट कॉलेज है और प्लेसमेंट देता है नर्सिंग का। ये एक तो देहरादून पर है जो मेन है, और इसका एक दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पे खुल रखी है, कहाँ पे आपकी भीमताल पे। ओके,
ओके यार, तो एक ग्राफिक इरा का कॉलेज है भीमताल पे, नर्सिंग का बहुत बेस्ट है। उसके बाद इसका जो मेन है, मतलब जो मेन कॉलेज था इसका, वो है देहरादून पे है, बट इसकी एक और ब्रांच खुल गई है कहाँ पे, भीमताल पे। तो यार भीमताल पे भी लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली जाके नर्सिंग कर सकते हैं, देहरादून में भी कर सकते हैं और भीमताल में भी। ये सबसे अच्छा और बेस्ट कॉलेज है अगर देखा जाए तो, बिकॉज ये अभी नया नया खुला है और ये अच्छा खासा प्लेसमेंट, मतलब नर्सिंग यार ये भी करवा रहा है और ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसने अच्छा मतलब प्लेसमेंट दिया, लाइक दिल्ली वगैरह के मेदांता या फिर मतलब और हॉस्पिटल्स में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। ओके, तो ये थी मेरी लिस्ट में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगी जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ। बट उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।